मिंडा इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो आज के दिन 5 से 5.25% की तेजी देखने मिल रही है। और इतनी बड़ी जो तेजी है इसके पीछे की रीजन की मैं बात करूँ, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और एक इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी एक इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन की जो तेजी इतनी वो इसके पीछे के रीज़न की मैं बात करूँ तो कंपनी ने अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखने मिला हमें, और साथ ही साथ कंपनी ने एक अनाउंस किया बोनस को भी लेके, और जो बोनस का रेशियो वो 1:1 रखा हुआ है। हमारे पास इस कंपनी का एक शेयर रहेगा तो एडिशनल और भी एक शेयर मिलेगा। और कंपनी का रिजल्ट की मैं बात करूँ तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर के अंदर 101 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी हमें मार्च 2022 के अंदर मैं देखूँ तो 144 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में एक अच्छा ग्रोथ भी देखने मिल रहा है। और मैं जो बोनस का जो ये रिकॉर्ड डेट रखा है वो 10 जून रखा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मेट्रोपोलिस के अंदर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने मिला, और रिजल्ट की मैं बात करूँ तो मार्च 2021 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 24 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2022 की मैं बात करूँ तो 63 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिक के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ भी देखने मिल रही है, और इसी वजह से हमें आज मॉर्निंग के अंदर एक अच्छी तेजी भी देखने मिल रही थी। 4% के जैसा हमें आज मॉर्निंग के अंदर भागते हुए देखने मिल रहा था। आप देख सकते हैं 1700 से 1750 तक जो शेयर है वो जाते हुए देखने मिल रहा था, बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। नेक्स्ट में बात करूँ तो आज भी जितने भी शुगर के स्टॉक है उनके अंदर हमें एक गिरावट देखने मिल रही है, और आज जो न्यूज है वो एक ऑफिशियली न्यूज आई हुई है। इस न्यूज के ऊपर मैं कल भी वीडियो बनाई थी, और कल भी जितने भी जो शुगर के स्टॉक है उनमें बहुत ही भारी मात्रा में गिरावट देखने मिल रही थी, लेकिन जो न्यूज थी वो कल एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज आई थी, लेकिन आज मैं बात करूँ तो एक ऑफिशियली न्यूज आई हुई है। और देख सकते गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है लगाएगी शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर 1 जून से। तो आज जो न्यूज़ है वो ऑफिशियली न्यूज आई हुई है, और इसी न्यूज़ की वजह से मैं आज के दिन में बात करूँ तो शुगर स्टॉक के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में गिरावट देखने मिल रही है। नेक्स्ट में बात करूँ तो बर्जन पेंट और एशियन पेंट दोनों कंपनी के अंदर हमें 7 से 7.5% की दोनों कंपनी के अंदर गिरावट देखने मिल रही है। और इतनी बड़ी जो गिरावट है इसके पीछे के रीजन की मैं बात करूँ तो आदित्य बिरला ग्रुप उनकी एक कंपनी है ग्रेजम इंडस्ट्री, वो पेट इंडस्ट्री के अंदर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेगी Q4 2023-24 के अंदर। तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है पेट इंडस्ट्री के अंदर, और इतनी बड़ी जो न्यूज है इसी वजह से हमें आज दोनों कंपनी के अंदर एक भारी मात्रा में गिरावट देखने भी मिल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान जिंक उनके अंदर में आज के दिन की इस कंपनी के अंदर अच्छी एक तेजी देखने मिल रही है, 5 से 5.25% की एक तेजी देखने मिल रही है। और इसकी रीजन की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कैबिनेट लाइकली टू अप्रूव सेल ऑफ गवर्नमेंट जो होल्डिंग की मैं बात करूँ इस कंपनी के अंदर, तो गवर्नमेंट का होल्डिंग है वो 29% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं इधर 29% की होल्डिंग है गवर्नमेंट की, और वो अभी क्या कर सकती है, अभी ऑफिशियली न्यूज नहीं है, एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज आई हुई है, लेकिन न्यूज ऐसी है कि जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो बेच सकती है, और इसीलिए हमें इस कंपनी के अंदर एक अच्छी तेजी भी देखने मिल रही है। आपको पता रहेगा कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी रहेगी वो 10 में से 7 कंपनी आपको 7 कंपनी जो 10 में से 7 कंपनी रहेगा उनकी एक ग्रोथ दिखने ही नहीं मिलेगी। कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी आप देख लो उनकी आपको इतना जो शेयर आप देखोगे तो भी इतनी ग्रोथ दिखने में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट इस कंपनी से अंदर से निकल जाएगी तो इस कंपनी के लिए तो अच्छा ही है, इसीलिए हमें आज के दिन की अच्छी तेजी भी देखने मिल रही है। नेक्स्ट में बात करो तो ग्लोबस इस कंपनी के अंदर हमें 20% की एक लोअर सर्किट देखने मिल रही है, और इस कंपनी के जो इतनी गिरावट है इसके पीछे के रीजन की बात करो तो क्वार्टरली रिजल्ट वो एक ख़राब रिजल्ट देखने मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिक के ऊपर मैं देखूँ तो देख सकते लास्ट मार्च 2021 की मैं बात करूँ तो 53 करोड़ का प्रॉफिट था, और
मार्च 2022 के अंदर हमें 49 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिक के ऊपर एक गिरावट देखने मिल रही है, इसकी वजह से हमें आज के दिन की बहुत ही ज़बरदस्त एक गिरावट भी देखने मिल रही है।